सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम अनवांटेड 72 टेबलेट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि इस टेबलेट को कब यूज़ किया जाता है और किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है और साथ में ही इसका प्राइस क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, यानी कि सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो पे शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। साथ में ही अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे एक छोटा सा कागज़ का कैटन दिख रहा है जिसमें अनवांटेड 72 टेबलेट है, जो कि एक एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक टेबलेट है जो कि 1 टेबलेट के स्ट्रिप में आता है। और यहीं जान लेते हैं इसके कंपनी के बारे में कि ये कौन सी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए ये मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है और जिसमें एक स्ट्रिप होता है इस बॉक्स के अंदर और जिसकी प्राइस 90 रुपये है। लेकिन आप इसे केमिस्ट से लेते हैं तो आपको 50 या 60 रुपये में भी दे सकता है। और इसका जो मुख्य एक ही साल्ट है, जो यानी कि मुख्य एक ही कंपोजिशन से ये टेबलेट बना हुआ है, जो कि लीवो नॉर गैस्ट्रिल टेबलेट है ये, और ये इमरजेंसी टेबलेट के रूप में भी जाना जाता है। देखिए इस टेबलेट को कब यूज़ किया जाता है, पहले ये जान लेते हैं इस वीडियो में। तो देखिए इस टेबलेट को शेक्स करने के 72 घंटे के अंदर लेना रहता है। अगर आपको लगे कि ये सेक्स अनसेफ्टी तरीके से किया गया है, यानी कि अगर आप सेक्स करते हैं उस दौरान आपका कंडोम फट जाता है या आपकी जो पार्टनर है गर्भ निरोधक गोली ले रही है, उन्होंने गर्भ निरोधक गोली नहीं लिया है और उस दौरान आप गलती से सेक्स कर लेते हैं और प्रेगनेंसी रुकने का ज़्यादा चांस रहता है और आप बच्चा नहीं चाहते हैं, तो उन कंडीशन में आप इस अनवांटेड 72 टेबलेट को किसी गैनोलॉजिस्ट से सलाह लेकर इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए इस टेबलेट को कब लिया जाता है, देखिए जब अनसेफ टाइम में सेक्स होता है, यानी कि जब औरत का पीरियड स्टार्ट होता है जो कि 4 से 5 दिन तक चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है, उसके बाद का जो 10 से लेकर 11 दिन तक का जो टाइम होता है वो अनसेफ टाइम होता है। अगर उस दौरान आप संबंध बनाते हैं तो प्रेगनेंसी रुक सकती है और अगला जो पीरियड आना है अगले महीने में वो मतलब कि मिस हो सकता है। तो आपको इस टेबलेट को लेने से पहले एक चीज़ का ज़रूर ख्याल कर लें कि जिस वक्त आप सेक्स करते हैं उस टाइम से लेकर 72 घंटे के अंदर अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो इस टेबलेट को फौरन आप उस 72 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लें। यानी कि अगर आप इस टेबलेट को 12 घंटे के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है, यानी कि वो प्रेगनेंसी रुकती नहीं, यानी कि वो निष्क्रिय हो जाती है और अगले महीने का पीरियड नॉर्मल टाइम से आ जाता है। और चलिए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, यानी कि इस टेबलेट को किस तरह से लेना है। तो देखिए इसे महिला जो लेती हैं वो एक चीज़ का ख्याल रखें कि इसे कभी भी खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना है और इसको कुछ खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि इस टेबलेट को लेते हैं तो हल्के भोजन का इस्तेमाल करें, ज़्यादा भारी भरकम भोजन का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि ज़्यादा ऑयली चीज़ का इस्तेमाल करके इस टेबलेट को नहीं लेना है, या फिर ज़्यादा इस चटपटा चीज़ यानी कि तेल मसाले वाली चीज़ हैं, तीखी चीज़ हैं, उसके बाद उन तरह के खाना खाने के बाद इस टेबलेट को नहीं लेना है, नहीं तो इस टेबलेट का असर बहुत ही कम हो जाता है। और इसको खाना खाने के आधा या एक घंटे बाद इस टेबलेट को दे देना है एक गोली ताजे पानी से कम एक गिलास पानी आपको पीना रहता है इस टेबलेट के खाने के बाद, और ये टेबलेट अपना कुछ देर में अपना असर कर देती है। और देखिए जब अनसेफ टाइम में आप सेक्स करते हैं तो 72 घंटे के अंदर ही प्रेगनेंसी जो है सक्रिय हो जाती है, यानी कि जो महिलाओं का अनसेफ टाइम चलता है उस दौरान उनका जो बच्चेदानी का मुंह है खुला रहता है
और उस दौरान हम जब संबंध बनाते हैं तो हमारे जो शुक्राणु जो निकलते हैं और महिला के अंडाणु से मिल जाते हैं और उन्हीं 72 घंटे के अंदर प्रेगनेंसी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है और अगले महीने का जो पीरियड है मिस हो जाता है, इस तरह से प्रेगनेंसी ठहर जाती है। और देखिए इस टेबलेट को जो लंबे टाइम की प्रेगनेंसी है, जैसे कि 20 दिन या 30 दिन या 60 दिन का जो प्रेगनेंसी है, इस टेबलेट से कभी भी नहीं गिर सकती। इस टेबलेट को नहीं लेना है क्योंकि इस पे ख़ास तौर से कंपनी द्वारा लिखा गया है एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट, यानी कि ये एमरजेंसी टाइम में इस्तेमाल किया जाता है। और पैक को खोलकर हम दिखा देते हैं कि इसमें के रखा हुआ टेबलेट आपको किस तरह का दिखता है। देखिए जब पैक को हम खोलते हैं तो एक छोटी सी स्लिप मिलती है जिसमें हिंदी और इंग्लिश में पूरा डिटेल दिया गया है कि इस टेबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है। साथ में ही ये एक छोटा सा स्ट्रिप होता है जिसमें बहुत ही छोटी साइज़ की टेबलेट होती है और इसी टेबलेट को 72 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना रहता है। और चल ये जान लेते हैं कि इस टेबलेट को लेने के बाद हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए इसमें डाले गए अगर इन्ग्रीडियंट से आपको एलर्जी है तो इस टेबलेट को हरगिज इस्तेमाल ना करें, या अगर आप कोई टेबलेट या आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस दौरान आप जब लेते हैं तो ज़रूर एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। देखिए इसके देने से बहुत से महिलाओं को देखा गया है कि उनका मुंह का सूखना या एब्डोमेन में पेन होना, यानी कि पेट में दर्द होना या पेट खराब हो जाना या चेहरे पे सूजन आ जाना या फिर अंदर की ज़ुबान पे सूजन आ जाना या बॉडी पे रेशेस पड़ जाना, यानी कि लाल लाल चकत्ते उभर आना या चक्कर आना या मुंह का सूखना या घबराहट होना। तो इस तरह के कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि सभी महिलाओं को नहीं होता। तो ये था अनवांटेड 72 टेबलेट के बारे में सब कुछ। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो इस टेबलेट को लेकर तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।